नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। देखिए, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस की कोई परमानेंट दवा नहीं है। ये सिर्फ ये है कि जब तक वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाती है, जब तक कोई परमानेंट कोई दवाई नहीं बन जाती है, तब तक हम इस थ्योरी का इस्तेमाल या इस थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब डॉक्टर से कह रहे हैं कि टेम्परेरी मेजरमेंट के लिए हम इसका क्या कर सकते, उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको इससे संबंधित सबसे पहला करंट अफेयर बताया था कुछ दिन पहले कि चाइना में इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा जब भारत में बात आई थी तो भारत देश में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का जिक्र या थेरेपी का जिक्र या इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया गया था श्री चित्रा त्रिनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, कहां पर? तिरुवनंतपुरम केरला में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भारत देश में कहां पर, किस जगह पर या किस राज्य में भी पूछा जा सकता है, तो आप केरला टिक कर लीजिएगा। क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हुई थी प्लाज्मा थ्योरी की। इसके अलावा आप एक करंट अफेयर आज का बना है कि भारत देश का ऐसा पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है जहां पर क्या किया गया है, इस कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का उपयोग किया गया है। वहां के एक डॉक्टर थे जो इस बीमारी से ग्रसित थे, तो उनको क्या किया गया, प्लाज्मा चढ़ाया गया। ठीक है, इस हॉस्पिटल का क्या नाम है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अब देखिए, बात आ गई है प्लाज्मा की, तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं कि आखिर में ब्लड आता कहां से है, होता क्या है ये प्लाज्मा। तो देखिए, आज हम थोड़ा सा ब्लड पढ़ लेते हैं, है ना। कोशिश करेंगे कि इस करंट अफेयर की सीरीज में ही आपको सारी चीजें पढ़ा दी जाए, अदरवाइज और कुछ आपको ना पढ़ना पड़े। तो देखिए, ब्लड है ना, ब्लड के हम अगर मेन चीजें मेन देखें तो दो पार्ट्स में ब्लड हमारा डिवाइड रहता है। एक तो हमारे पास होता है प्लाज्मा, यही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, और एक होता है हमारे पास ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक येलोइश टाइप का एक ब्लड रहता है जिसमें, मतलब लिक्विड रहता है जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है, जिसमें ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये सब मौजूद होता है। तो कुल मिला के अगर प्लाज्मा का मेन अगर आपसे पर्पस पूछा जाए तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को क्या करना, पहुंचाना, यही प्लाज्मा का मुख्य काम है। और उसी में सारी चीजें क्या रहती है। इट मीन्स आप ये सोच सकते हैं कि एक नदी है और उसमें मछली तैरती रहती है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो नदी ही क्या है, ये प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा अगर कंपोनेंट पाया जाता है तो वो वाटर का पाया जाता है 90% तक। इसके बाद सेकंड मैक्सिमम पाया जाता है प्रोटीन, इसके अलावा ग्लूकोज और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है इस प्लाज्मा में। एक और क्वेश्चन आता है कि सीरम क्या होता है। देखिए, सीरम की परिभाषा ये आती है, इस प्लाज्मा में से माइनस कर दिया जाए फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो उसे ही हम सीरम के नाम से जानते हैं। तो इतना देखा हमने प्लाज्मा में। नेक्स्ट देखिए, अब हम ब्लड देखते हैं। ब्लड के जो ब्लड सेल्स, उसमें तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती है। एक पाई जाती है आरबीसी, ठीक है, जिसे हम इर्थोसाइटिस के नाम से जानते हैं। एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एक पाई जाती है प्लेटलेट्स, जिसे हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। अब आप इतना ही देख लीजिए, ठीक है, ये नाम है, ये इनके टेक्निकल नेम्स हैं, ये भी नाम स्पेसिफिक पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मेन देखिए आरबीसी है ना। आरबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि कितने दिन तक ये सस्टेन कर पाती, कितनी इनकी लाइफ रहती है। तो आरबीसी की लाइफ रहती है 20 से लेकर 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी की रहती 2 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स की रहती 3 से लेकर 5 दिन। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इनमें से पूछा जाता है किसमें केंद्रक पाया जाता है। फाइट करने की जो जिम्मेदारी रहती है किसी से, वो रहती है डब्ल्यूबीसी के पास। तो जो फाइट करेगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, पावर होगी, वही तो फाइट कर पाएगा। तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही यहाँ पर इनके पास केंद्रक पाया जाता है, ना तो आरबीसी के पास केंद्रक पाया जाता है, ना ही प्लेटलेट्स के पास केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये बन चुका है। अब देखिए, आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है, और जो इसकी मृत्यु है वो लीवर और स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, यहाँ पर होती है। इसीलिए कभी कभी इसे आरबीसी की कब्रगाह, ये क्वेश्चन बार बार बन चुका है, आरबीसी की कब्रगाह लीवर और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी में जो मेनली है, जो उसे लाल कलर का लाल जो रंग है वो प्रदान करता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन। हीमोज आपको पता, हीमोज मतलब आयरन से संबंधित है ये, इसीलिए आयरन के कलर में, मतलब लाल कलर का रक्त आपका दिखता है हीमोग्लोबिन की वजह से, और इसी हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी का सबसे प्रमुख काम होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना बाकी शरीर के अन्य हिस्सों में, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य हिस्सों से कहां पर खींचना,
बॉडी के अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम मैं आपको बता चुका हूं, फाइटिंग का काम है संक्रमण से बचाना, और प्लेटलेट्स का काम होता है, इसको मैं पहले भी बात कर चुका हूं, थक्का जमना, क्लॉटिंग का काम करता है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खून आपका शरीर से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ब्लड देख लिया और हमने देखा कॉन्वलेशन प्लाज्मा थेरेपी, दो चीजें प्रमुख। क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ था कहां पर, केरला में तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ पर सेंट जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में इसका क्या हो रहा है, पहली बार मतलब ग्राउंड में कार्य इससे संबंधित किया गया, एक डॉक्टर को प्लाज्मा थ्योरी दी गई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्लाज्मा किससे निकाला जाएगा भाई, जो व्यक्ति उससे ग्रसित हुआ था और ठीक हो चुका है, जो व्यक्ति उससे ठीक हो चुका है उसी की बॉडी में एंटीबॉडी बनी है। हम कभी जिक्र कर लेंगे कि वायरस क्या होता है, एंटीबॉडी कैसे बनती है, इन सब चीजों में जैसे समय मिलेगा, लेकिन बस आप इतना समझ के रखिए कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी है किससे, जो व्यक्ति ग्रसित हुआ था, जो व्यक्ति ठीक हो गया है, और उसी एंटीबॉडी का उपयोग हम ऐसे व्यक्ति को देंगे जो क्या है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अगर हम उसको दे देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और कोरोना वायरस से उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया, जम्मू और कश्मीर की कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के साथ में मिलकर एक मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 10,000 रुपए में बना दिए, सिर्फ एक मैकेनिकल वेंटिलेटर आईआईटी बॉम्बे ने और जम्मू कश्मीर की कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मिलकर ये बनाया है, जिसका नाम है रुधुर। ठीक है, जिसका नाम है रुधुर। तो ये एक सबसे प्रमुख है, आपको याद होगा इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आईआईटी कानपुर के द्वारा भी एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा आईआईटी रुड़की के द्वारा प्राणवायु वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, आज का दिवस है ना, आज है हमारे पास 28 अप्रैल और इस दिन हम मनाते हैं कौन सा, वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड वर्क एट वर्क, मतलब वर्क प्लेस में क्या करना, आपकी हेल्थ की और सेफ्टी का ख्याल रखना, इस दिन का आज दिवस होता है। सीधी सी बात है, ये संबंधित है आपके वर्क प्लेस से, इसीलिए वर्क प्लेस की जिम्मेदारी आती है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1919 में की गई थी, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो इसके प्रमुख है हाल फिलहाल में वो है गाय राइडर, बहुत प्रमुख है। इस साल की जो थीम है हमारे इस डे की, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे की, वो है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव्स लाइफ। ठीक है, महत्वपूर्ण किससे संबंधित है, कोरोना वायरस से संबंधित। 26 तारीख को आपने माना था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इट मीन्स 2019 में कौन से देश ने अपनी मिलिट्री में कितना पैसा खर्च किया है, उसके विषय में ये जानकारी दी गई। इन्होंने बताया है इस साल मोटा माटी 1,917 बिलियन डॉलर का व्यापार क्या हुआ है, किससे संबंधित, आर्म्स से संबंधित, और जिसमें पहला स्थान आता है एज यूजुअल जैसा कि आपको मालूम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 732 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं रक्षा उत्पाद में। दूसरे नंबर पर नाम आता है चाइना का, जिसने 261 बिलियन डॉलर खर्च किए। तीसरे नंबर पर भारत देश का नाम आ रहा है, जिसने 71.1 बिलियन डॉलर इस साल रक्षा उत्पादन में खर्च किया है, और ये पिछले साल की तुलना में भारत देश में क्या हुआ है, ज्यादा किया गया है। पिछले साल हम चौथे नंबर पर थे, इस साल हम कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर है। जो टोटल जीडीपी है हमारी, उसका हम 2.4% हिस्सा इस आर्म्स में ही खरीदने में क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, जो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी है उसका 2.2% है, ये 2.2% है, मतलब 2.2% खर्च किया गया 1,917 बिलियन डॉलर, और भारत देश में कितना है 71.1 बिलियन डॉलर खर्च किया गया, हमारा जीडीपी का 2.4%, हमारा नंबर कौन सा है, तीसरा, पिछले साल कौन सा था, चौथा नंबर। चलिए अब हम चलते हैं आगे, है ना, आगे देखिए हमारे पास है UIDAI, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो हमारे पास सेंटर्स है कॉमन सर्विस सेंटर, उनको ये कह दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप आधार अपग्रेडेशन का काम कर सकते हैं, मतलब किसी को नाम चेंज कराना हो, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी हो, पता चेंज कराना हो, तो थोड़ा बहुत आप कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर अपना काम कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की जो पहुंच है वो भारत के ग्रामीण इलाकों तक बहुत अच्छी है। 20,000 से ज्यादा हमारे पास क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर है, और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर के प्रमुख है वो है दिनेश त्यागी, सीईओ है। आपको पता है कि UIDAI काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के तहत, जिसके प्रमुख हैं, मतलब जिसके मंत्री हैं हमारे कौन, रवि शंकर, जो कहां से आते हैं,
बिहार से आते हैं और यूआईडीआई के प्रमुख है, सीईओ है डॉक्टर अजय भूषण पांडे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार आ चुका है, डॉक्टर अजय भूषण पांडे यूआईडीएआई के सीईओ। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ में समझौता किया है $1 बिलियन का। किस लिए किया है भाई? ये किया है अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए जिस प्रकार से 4G में एकदम से जंप किया है जियो ने और बाकी की कंपनियों को तोड़ दिया है, ऐसा अब एयरटेल नहीं चाह रहा है कि फिर से हो जाए। आप देख रहे हैं 5G की भनक भारत देश में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत जल्द ही 5G के सेट्स भी आने वाले हैं और क्या होंगे, इसके स्पेक्ट्रम भी नीलाम होंगे। बहुत जल्द 5G भी भारत देश में आ जाएगा और कवर अप कर लेगा। इसीलिए इस बार एयरटेल नहीं चाहता है कि एकदम से जियो की बात साहत हो जाए। इसीलिए जियो ने भी किससे किया था टाइप, किसके साथ? फेसबुक के साथ। कहीं ना कहीं वो उसको काम आएगा और यहाँ पे अब एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने किया नोकिया के साथ में, ताकि जो उसका क्या है ग्राउंड में जो टावर का सिस्टम रहेगा वो अच्छा मजबूत हो सके और 5G में वो अच्छा कॉम्पिटिशन दे सके रिलायंस जियो को। तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से, मतलब नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ में क्या किया, $1 बिलियन की हिस्सेदारी रखी, मतलब $1 बिलियन का सौदेबाजी करी है। नोकिया के जो प्रमुख है वो राजीव सूरी है, MD और CEO, और जो भारतीय एयरटेल के वो आपको पता है, इनका नाम है गोपाल विट्ठल, इंडिया और साउथ एशिया के ये CEO हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने क्या किया है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराने की बात करी है और एक जो लाल फीताशाही उससे बचने की बात करी है। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में पता कर लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और जो इसके हाल फिलहाल में MD और CEO है कर्णम शेखर। ठीक है, पुराने पुराने बैंक है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एक्सरसाइज थी जो कोरोना की वजह से फिर से स्थगित कर दी गई, इसका नाम है पिच ब्लैक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिच ब्लैक, और ये होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि पिछली वाली 2018 में हुई थी और अब इसलिए रद्दी कर दी गई है इस साल की, है ना, और अब अगली वाली कब होगी, 2022 में होगी। तो 4 साल का गैप आ गया, इसलिए प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। इसके अलावा आपको पता होगा एक और एक्सरसाइज, ये एयर टू एयर एक्सरसाइज थी। इसके अलावा आपको पता होगा इसके पहले एक रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ना, ये भी हमारी जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी उसको भी हमने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। और एक और एक्सरसाइज आ गई, इसका क्या नाम है, पिच ब्लैक, किसके साथ, इंडिया करती थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया के जो एयर चीफ मार्शल है वो है RKS भदौरिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके समकक्ष थे, ये थे मेग हुपफील्ड। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, वहां पर चलता ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जो वहां के प्रधानमंत्री है वो है स्कॉट मॉरिसन, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्पोर्ट्स से संबंधित आज हम बात कर लेते हैं। भारत देश की एक महिला खिलाड़ी एथलीट हैं, है ना, इनके ऊपर क्या कर दिया गया, 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनका नाम है झूमा खातून। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, झूमा खातून, इनको इनका टेस्ट लिया गया था, इनका ब्लड लिया गया था, भारत देश में टेस्ट किया गया था तो नेगेटिव आया, फिर जब बाहर भेजा गया वाडा में तो पॉजिटिव आ गया, तो क्या क्या कर दिया गया, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है और इसके जो प्रमुख है वो है विरोल्ड बांका। ठीक है, एक और खिलाड़ी जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा है वो है पाकिस्तान के खिलाड़ी उमर अकमल। ठीक, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है कि आपको पता होगा वहां पर एक PSL चलती है ना, पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे भारत देश में इंडियन प्रीमियर लीग चलती है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, पहला संस्करण ये क्वेश्चन बन चुका है, वैसे ही वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ है 2015 में, मतलब 2020 कौन सा था, 5वां संस्करण था, है ना। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कुछ बात की थी बाहर के लोगों से, है ना, मैच फिक्सिंग से संबंधित ऐसी, और ये जानकारी मांगनी चाहिए थी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने लेकिन इन्होंने नहीं दी, इसीलिए क्या कर दिया गया, 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा आपको पता होगा सनामी जो पाकिस्तान की क्रिकेटर थी, उन्होंने क्या कर लिया है भाई, संन्यास ले लिया है। इस तरह से अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।